नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम मोबाइल डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के बारे में। काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि आखिर मोबाइल में डिस्प्ले रिफ्रेश रेट क्या होता है, जबकि आजकल बाजार में जब भी मोबाइल लेने जाते हैं तो इस बात को काफ़ी प्रचारित किया जाता है। आप ऐड देखिए, उसमें बार बार आपको देखने को मिलेगा कि इस मोबाइल की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है या 100 हर्ट्ज़ है या फिर 140 हर्ट्ज़ है, इस तरीके से। आखिर इसका मोबाइल पर असर क्या होता है, इसकी ज़रूरत मोबाइल में क्यों पड़ती है, अगर हम 90 हर्ट्ज़ या इससे अधिक के मोबाइल लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे कम के मोबाइल लेते हैं तो हमें क्या नुकसान मिलता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल नया कंटेंट है आपके लिए, आपको जानकारी होनी जरूरी है ताकि आप बेहतर मोबाइल चुन सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में आखिर हम जब मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं। हम क्या देखते हैं उसमें, मोबाइल में स्क्रीन कितनी बड़ी है, उसकी बैटरी कितनी बड़ी है, उसमें डिस्प्ले कितना बड़ा है, उसमें मोबाइल का कैमरा किस तरीके का है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जब बात आती है डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में देखते हैं कि उसका डिस्प्ले कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना बड़ा है, हम ये चीज़ ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की जहाँ बात आती है तो जैसा दुकानदार हमें बताता है वो कहता है कि इतने हर्ट्ज़ का आपके लिए ठीक है तो आप उस हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको कितना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का मोबाइल लेना है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिस्प्ले रिफ्रेश रेट आखिर क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो एक सेकंड में मोबाइल की स्क्रीन अपने आप को जितना रिफ्रेश करती है वो उसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट होता है, और इसको हर्ट्ज में नापते हैं। अभी तक मार्केट में मैक्सिमम मोबाइल आपको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाले मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जितना भी कंटेंट है, चाहे आपके वीडियोज हो चाहे आपके कोई भी मोबाइल गेम्स हो, वो आपके 60 हर्ट्ज तक के अवेलेबल हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम ऐसा आ रहा है कि जब आपको ये गेम्स 90 हर्ट्ज वाले या इससे अधिक हर्ट्ज वाले मिलेंगे। इसका मतलब डिस्प्ले रिफ्रेश रेट किस बात को बिलोंग करता है, अगर आप मान लीजिए मोबाइल में गेम खेलते हैं या आप कोई कंटेंट देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो आपको 90 हर्ट्ज या इससे ऊपर वाले मोबाइल की तरफ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मोबाइल का उपयोग सोशल मीडिया के लिए करते हैं या फिर आप मोबाइल का उपयोग केवल फ़ोन सुनने या करने के लिए करते हैं, इस तरह के उपयोग करते हैं, अगर आप कम उपयोग करते हैं तो आप 60 हर्ट्ज या इससे कम डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाले मोबाइल भी ले सकते हैं। इसका रीजन आपको बताता हूँ कि 60 हर्ट्ज या इससे कम के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाले मोबाइल लेंगे आप तो वो आपको थोड़े सस्ते पड़ेंगे, लेकिन आप 90 हर्ट्ज या इससे ऊपर वाले डिस्प्ले रिफ्रेश रेट पर जाएंगे तो थोड़े से महंगे मोबाइल पड़ सकते हैं, लेकिन हमें हमारा यूज़ देखना है। तो ये हुआ आपका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको कौन सा मोबाइल लेना है, 60 हर्ट्ज से कम वाला या 90 और 140 तक का। अब एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए कंटेंट अवेलेबल है 60 हर्ट्ज वाला और आपके पास मोबाइल है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाला, तो क्या आप इस मोबाइल में 60 हर्ट्ज वाले कंटेंट को देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। नहीं का मतलब आप यहाँ समझना पड़ेगा, नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंटेंट को नहीं देख सकते, आप 60 हर्ट्ज वाले कंटेंट को 60 हर्ट्ज पर ही देख पाएंगे, 90 हर्ट्ज पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि 90 हर्ट्ज वाले मोबाइल में भी अगर आप 60 हर्ट्ज वाला कंटेंट देखेंगे या कमज़ोर वीडियो देखेंगे क्वालिटी के हिसाब से, तो मेरे भाई आपका वो मोबाइल या वो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पर ही स्विच हो जाता है और आपको उतना ही कंटेंट उसी क्वालिटी में वो दिखाता है। अब 90 हर्ट्ज या इससे ऊपर वाले हम डिस्प्ले रिफ्रेश वाले मोबाइल लेते हैं तो फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो आपका स्क्रीन स्मूथ होगा। सबसे बड़ा फायदा है इसका आंखों पर असर कम पड़ता है। आंखों के लिए 90 हर्ट्ज या इससे ऊपर वाले मोबाइल अच्छे होते हैं, इससे ऊपर वाले स्मार्टफोन अच्छे होते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आप वीडियो गेम खेलते हैं या फिर आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखते हैं या कहीं और का कंटेंट देखते हैं, तो जो भी कंटेंट 90 हर्ट्ज वाला इससे ऊपर वाला होता है वो आपको अच्छा दिखेगा। स्क्रॉलिंग करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। बारिश शुरू हो गई है हमारे यहाँ, हो सकता है आपके वहाँ भी आ रही हो, तो यहाँ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये क्लियर कर लें कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है। अगर आपको लेना है 90 हर्ट्ज या इससे ऊपर वाला मोबाइल, इससे अच्छे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वाला मोबाइल, तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। 60 हर्ट्ज से कम वाला लेना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब ये रिफ्रेश होता है, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के बारे में कि एक सेकंड में आपका मोबाइल जितनी बार रिफ्रेश होता है वो उसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट होता है। अब मान लीजिए एक सेकंड में वो 90 बार रिफ्रेश हो रहा है तो आपका मोबाइल का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट क्या होगा, 90 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज। अब इसको हम और थोड़ा सा डीपली समझें कि कितने सेकंड लगते हैं। अब मान लीजिए आपका मोबाइल 90 हर्ट्ज का है तो एक बार पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करने में कितना टाइम लगता है, 11.1 मिली सेकेंड लगता है, यानी कि सेकंड का 11.1 मिली सेकेंड हिस्सा, ठीक है, काफी कम। अब 60 हर्ट्ज में देखें तो ये टाइम 16 पॉइंट कुछ सेकेंड होता है, तो ये फर्क होता है
डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले बेटर होगी 90 हर्ट्ज से ऊपर वाले मोबाइल में, और थोड़ी कमज़ोर होगी 60 हर्ट्ज से कम वाले मोबाइल में। रेट में भी दोनों में फ़र्क होता है, तो अब आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं जब भी मार्केट में जाएं। तो अब आप डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के नाम पे कम से कम बेवकूफ नहीं बन सकते। वीडियो पसंद आया था और लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।